हेलो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जेसीपी आ गया। जेसीपी का मदद से हम लोगों का जहाँ न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है ना, तो न्यू प्रोजेक्ट को गड्ढा खोदना है, उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन का कुछ काम होगा, तो काम के लिए जेसीपी आया। गड्ढा खोदना है कम से कम 6 मीटर लंबाई और 3 मीटर डीप गड्ढा होगा, इसी के लिए जेसीपी मंगाया है। क्योंकि ये जेसीपी हम लोग का कंपनी का नहीं है, ये जेसीपी भाड़ा पे है, तो एक दिन में कम से कम 1000-1500 रियाल लेता है, तो कम से कम इंडिया का जो वैल्यू होगा 30,000 रुपया। तो जेसीपी अपना पोजीशन में जा रहा है जहाँ गड्ढा खोदना है, उधर पे जेसीपी धीरे 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 जा रहा है। तो आप लोग बने रहे और देखिए हम लोगों का जो काम है, जेसीपी क्या काम करेगा, कैसे क्या करेगा, आपको सब मैं वीडियो में दिखाऊंगा, तो बने रहे। तो देख लीजिए गाइस, अभी तो हम लोगों का पहले जो ढलाई था, ढलाई को तोड़ना है, तोड़ने का बाद ही हम लोग का जो गड्ढा कर पाएगा। देखिए कैसे करके अभी जेसीपी कैसे करके तोड़ रहा है ढलाई, देख रहा है, इसको वाइब्रेशंस का मदद से इसको तोड़ रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये मशीन है बोल के इतना जल्दी जल्दी एक दिन में हो जाएगा, आदमी होने से बहुत टाइम लगता है, ऊपर से बहुत आदमी लगता है। तो टेक्नोलॉजी धीरे 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 जितना डेवलप होने होता जा रहा है, काम उतना इजी हो रहा है। लेकिन ये नहीं है कि आदमी का काम नहीं मिल रहा है, आदमी मशीन का वजह से आदमी का काम नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ढलाई का तोड़ना हो गया, अभी मिट्टी को उठा रहा है, क्योंकि मिट्टी को उठा के इसका जो 2-2.5 मीटर का डीप होगा। तो देखिए एक दिन में कम से कम 8-9 घंटा में ये काम पूरा के पूरा कंप्लीट करना है, और ये मशीन से हो भी जाएगा जल्दी जल्दी, कोई मुश्किल नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे करके ये मट्टी उठा रहा है मशीन से, जैसे हम लोगों का हाथ का जो पंजा होता है सेम सेम उंगली जो है ऐसे करके हाथ से उठा रहा है। तो बने रहे मेरा वीडियो, और जो नया देख रहे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को। अभी गलीम भाई और फारूक उधर खड़ा है, ये जो केबिल देख रहे हैं आप लोग, ये केबिल में बिजली है, इसके लिए धीरे 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 ये मट्टी उठा रहे, क्योंकि इसका अंदर में बिजली है और ये तार को इधर से हटाना होगा, साइड से देना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऊपर ही प्रोजेक्ट खड़ा होगा, तो प्रोजेक्ट खड़ा होने के लिए ये तार रहेगा तो मुश्किल होगा, तो इसके लिए तार को बचा के ये मिट्टी उठा रहा है जेसीपी की मदद से। इसलिए हम लोग उधर खड़ा होकर हम लोग देख रहे हैं, कोई मुश्किल तो नहीं होगा, आप लोग देख सकते हैं। अभी गड्ढा खोदने के बाद इधर जो रॉड दे के ढलाई भी हो गया, क्योंकि और भी ढलाई बाकी है, तो अभी फिलहाल इतना ही ढलाई हुआ। बारिश का वजह से तिरपल दिया, सऊदी अरब में ठंडा का मौसम में बारिश होता है, गर्मी में कभी भी बारिश नहीं होगा, और गर्मी का टाइम बहुत गर्मी पड़ता है, और ठंडा का मौसम में कभी कभी बारिश आ जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं ये बारिश का पानी है। तो अभी फ़िलहाल अशरफुल भाई मगज कर रहे, लेट लगा रहे, ऐसा मेरे से मजब करता है, ऐसा ही बोलता है अशरफुल भाई जो बांग्लादेश से बिलोंग करता है, हम लोगों का मुदीर सुपरवाइजर बोल सकते हैं, मुदीर अरबी जुबान है। हम इधर देखो वेल्डिंग कर रहे, ये बिठाना है, क्योंकि जो इंडिया से मशीन आएगा इसी का ऊपर ही बैठेगा, ये हम लोगों का स्टैंड बोल सकते हैं। तो क्रेन का मदद से धीरे 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 हम लोग को पोजीशन में लेके जा रहा है, देखिए पोजीशन में आ गया,
इसको पोजीशन में बिठाना है। अशरफुल भाई डिडक्शन दे रहा है और उधर फारूक भी खड़ा है, कलीम भी जा रहा है उसको पकड़ने के लिए और मैं तो इधर वीडियो कर रहा है। तो देखो धीरे 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 गाइस नीचे आ रहा है, ये बहुत वजन है, ये कम से कम 20 मिली का प्लेट है। अभी पोजीशन में आ गया, अभी हम लोगों का ब्लॉक भी आ गया जिसको ईटा बोलता है वो आ गया काम करने के लिए। अभी मिस्त्री लोग भी काम शुरू कर दिया, देखो तीन मिस्त्री मिसौर से बिलोंग करते हैं, ये तीनों अभी इधर काम कर रहे हैं क्योंकि ये जो ईटा ब्लॉक का जो काम होता है सीमेंट बाली का, एक ये लोग की ठीका लेता है, ठीका लेके काम करता है। तो देखो कैसे करके ईटा से घेर दिया, इसका ऊपर रोड लगा के ढलाई होगा। तो ये लोग की धीरे 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 काम करता है और हम लोगों का तो मैकेनिकल काम करता है, वेल्डिंग का लोहे का जो काम होता है, तो बहुत ही मेहनत होता है। एक एक ईंटा कम से कम 10-15 किलो होता है। तो इधर सीमेंट बाली का ईंटा है, हमारा देश का जैसा नहीं जो मिट्टी से ईंटा होता है छोटा छोटा, ऐसा ईंटा नहीं है, ये बड़ा बड़ा सीमेंट बाली से बनता है ईंटा। बहुत आदमी ये ईंटा देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों का पुराना प्रोजेक्ट तोड़ के नया प्रोजेक्ट बन रहा है और मेरा चैनल में जो नया देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे को सपोर्ट करिए और जो बाजू में बेल आइकन है इसको टच करके रखिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो का साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। अब देख लीजिए हम लोगों का जो काम शुरू किया था वो काम तो अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, अभी हम लोगों के पास इधर कैमरा भी है, हम लोगों का कपिल देखता है कैमरा में, अब ब्लॉग भी आ गया काम करने के लिए। तो थोड़ा भी काम इधर हुआ, बाकी काम तो अभी बाकी है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो सुबह सुबह मौसम ठंडा ही रहता है, बाकी जितना टाइम बढ़ता जा रहा है उतना गर्मी होता ही रहता है। आपको मालूम है सऊदी अरब कितना गर्मी है, आप देख लीजिए। ये काम अभी तक इतना ही शुरू हुआ, अभी ये प्रोजेक्ट पूरा खड़ा करना है ऊपर तक नीच तक, आप देख लीजिए ये नीचे से ऊपर तक ये प्रोजेक्ट बनना बाकी है, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुआ, ख़त्म तो होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग उधर काम कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोगों का एच बीम का सीढ़ी का तरतीब हो रहा है, देखिए ये आपको लगभग 14 मीटर का है तो ऊपर उठना पड़ेगा, तो इसके लिए ये रॉड कट के सीढ़ी का तरतीब हो रहा है। तो अभी इसको तो वेल्डिंग खलास हो गया, अभी इसका बाकी है और एक भी मदर है उसको बाकी है। तो गाइस चलो कंटिन्यू करता है। कलाम कलाम इंत कलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आईवा आईवा कैस 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 मिया मिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह हम लोगों का जो काम हुआ था प्लम्बर का उसी को ढलाई करने के लिए सुबह सुबह 5 बजे गाड़ी आ गया, सीमेंट वाली जो मिक्स करने और रेडीमेड जो मिक्स करके लेके आता है। तो आप लोग देखिए मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गया आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना है, क्योंकि मेरा ड्यूटी 7 बजे से। देखो ये इसी का मदद से सीमेंट वाली मिक्स करके रेडीमेड आता है, इसी में आता है सीमेंट वाली मिक्स करके पत्थर उसी का साथ जैसे ढलाई में जैसा होता है, तो उसी का मदद से ये ढलेगा ये मशीन में और ये इसी से आएगा। तो
उसी में ढलाई होगा, क्योंकि इसमें ढलाई कम से कम 10 मंजिल तक ढलाई हो जाता है और भी ऊपर हो जाता है ढलाई। तो देखिए अभी इसी से आ रहा है, जो सीमेंट बाली मिक्स करके रखा था वही मशीन से ये जो आदमी है ये ऑपरेट करता है। अब देखो सीमेंट बाली आ रहा है, इसमें ढलाई हो रहा है आज इसी का। अभी सुबह सुबह थोड़ा आकाश भी साफ हो रहा है, आप देख सकते हैं ये हम लोगों का प्रोजेक्ट है। और देखो कैसे करके वो पाइप का मदद से वो गाड़ी से ऑपरेट करके सीमेंट वाली आ रहा है, ये गाड़ी से आ रहा है सीमेंट वाली, ऐसे पाइपलाइन हो के एकदम नीचे से सिस्टम। सच में जो साइंटिस्ट है ये लोग कैसा कैसा सिस्टम बनाता है। तो गाइस देखो, तो जो देखा नहीं वो एक बार देख सकता है। और ये बंदा क्या कर रहा है, ये सीमेंट बाली को वाइब्रेशन देके नीचे सही कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल देखो सब कैसे कैसे सीमेंट बाली देके इसको भर रहा है, ये ढलाई हो रहा है। ये पूरा ढलाई करेगा, आप देख सकते हैं ये बंदा वाइब्रेशन दे रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन देने से सीमेंट वाली अंदर जाएगा सही से। अभी इधर भी पूरा वाइब्रेशन और सीमेंट वाली कर रहे, आप देख सकते हैं। तो गाइस थोड़ा मेरा चैनल पे नया जो देख रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी 7:30 बज गया, मैं ड्यूटी पे आ गया। तो बने रहे मेरा वीडियो के साथ, बाय बाय टाटा, नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। बजाना काय को बंद किया, ये वीडियो সম্পর্কে মন্তব্য জানাতে কমেন্ট করুন, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করুন, আমাদের অন্য ভিডিওগুলো দেখুন, ভালো লাগলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করুন, এতে করে আমাদের সব ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছাবে। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।